झारखंड की राजधानी रांची में, जहां पर बाबा जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलनी है। ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से पूजा हो रही है? हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सौरभ जुड़े हैं। सौरभ, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, 15 दिनों के एकांतवास के बाद स्वामी जगन्नाथ अब यहाँ से जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाली जाएगी शाम 5 बजे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन भी पहुंचेंगे रथ खींचने के लिए। और इस वक्त जो नजारा है, ये जगन्नाथ मंदिर का आप देख सकते हैं कि भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। बाकायदा पूरी तैयारी की जा चुकी है कि किसी प्रकार का चूक ना हो, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और महिला पुरुष के लिए अलग अलग लाइन लगाए गए हैं और कुछ वॉलंटियर्स भी तैयार किए गए हैं अलग अलग संगठन के, चाहे हम आरएसएस की बात कर ले और जो अलग अलग संस्थान के जो वॉलंटियर्स हैं उनको यहाँ नियुक्त किया गया है कि किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना हो और सुबह से ही प्रभु जगन्नाथ के दर्शन को लेकर जो भक्त हैं यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आज लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। और शाम 5 बजे से रथ यात्रा निकाली जाएगी। आप ये नजारा जगन्नाथ मंदिर का है कि आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इस सीढ़ी से जगन्नाथ मंदिर की ओर प्रवेश किया जा रहा है। यहाँ से प्रवेश द्वार है, ये पूरब द्वार इसे कहा जाता है, जो कि सिंह द्वार के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इस द्वार से लोग प्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कल यानी शनिवार को प्रभु जगन्नाथ 15 दिनों के एकांतवास के बाद बाहर आए, उसके बाद उनका दर्शन लोगों को करने को हुआ। क्या कहना चाहेंगी? हाँ, क्या कहना चाहेंगी? पूजा करने पहुंची है? हाँ, पूजा करने पहुंचे हैं। कितने क्या क्या मनोकामना है? सब चीज। कहाँ से आई है? हम शामलंग से। शामलंग से, नामकुम से। हाँ। अच्छा, हर साल आती है? हाँ, हर साल आते हैं। तो देखिए, हर साल की भांति इस साल भी प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी और भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जगन्नाथ मेले की यदि बात की जाए तो आज रविवार का भी दिन है और ऐसे में जो संडे का दिन होने के कारण, ऑफिस में छुट्टी होने के कारण यहाँ भीड़ ज्यादा देखी जा सकती है। हम आपको ऊपर लिए चलते हैं कि किस प्रकार से तैयारियां की गई है। लगातार लोग सुबह से ही यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और प्रभु जगन्नाथ के एक दर्शन पाने को बेताब जो उनके भक्तगण हैं प्रभु जगन्नाथ के मंदिर में पहुंचे हुए। सिंह द्वार है, यहीं से जो महिलाएं पुरुष पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए धीरे धीरे लाइन लगाई गई है। कहाँ से आई है मैडम आप? शक्ति कन्ना बेटी, जगन्नाथ का जगन्नाथी माय है बेटी, स्वामी मैं तो देखिए, धीरे धीरे जो भी यहाँ जो भक्त है बाकायदा मंदिर की ओर जाते हुए। क्या नाम हुआ मैडम आपका? तारा कुमारी। कहाँ से आई है? जगन्नाथ मंदिर। हाँ। अच्छा, किस प्रकार से हर साल पहुँचती है? हर साल तो नहीं पहुँचते हैं, पहली बार आई है। देखिए, सिंहद्वार है और यहीं से जो भक्तजन की एंट्री करवाई जा रही है और पूरी तैयारी की जा चुकी है रथ यात्रा को लेकर। और इसी को लेकर यदि बात की जाए रथ यात्रा की, तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन भी पहुंचेंगे शाम 5 बजे और यहां पर रथ यात्रा यहां से निकलकर मौसीबाड़ी को जाएगी भगवान जगन्नाथ की। तो रथ यात्रा की तैयारी पूरी की जा चुकी है, नीचे रथ लगी हुई है, लोग वहाँ भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक जो जिस तरह से पूजा यहाँ पर बाबा जगन्नाथ के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं, वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो देखा जा रहा है, जो हम लोग को तस्वीरों में दिख रहा है, बड़े आसानी से लोग दर्शन कर रहे हैं। यानी कि जो तैयारी की गई है उस तैयारी का असर भी देखने को मिल रहा है। सौरभ, ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है, लोगों को ज़्यादा समय तक इंतजार लाइनों में नहीं खड़ा रहना पड़ रहा है, धीरे धीरे लाइन अब आगे बढ़ती हुई दिख रही है, यानी इंतजाम सही किए गए हैं। देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और एक तरीके से कहा जाए कि जो इस मंदिर की यदि बात की जाए तो यहाँ का जो वॉलंटियर्स है और जो वॉलंटियर्स को नियुक्त भी किया गया है वो काफी सजग है कि किसी प्रकार का छूट ना हो, जो भक्तगण है उन्हें सही से और सुलभ दर्शन प्रभु जगन्नाथ के हो, तो इसी को लेकर पूरा इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं अलग अलग और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है, 1000 से ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।
मेडिकल सुविधा भी लोगों को उपलब्ध करवाई गई है, जगह जगह पर पानी पीने की व्यवस्था, जो बेसिक सुविधा होनी चाहिए एक मेला परिसर में वो पूरी तैयारी की गई है कि किसी प्रकार का चूक ना हो। इसलिए जगन्नाथ मंदिर का ये जो परिसर है और जगन्नाथ मेला सुप्रसिद्ध मेला है उड़ीसा के बाद राजधानी रांची में भी, इसका जो एक तरह से कह सकते हैं कि भक्तिमय माहौल भक्तों के बीच देखने को हमें मिलता है, उसी को लेकर राजधानी रांची में भी पूरा माहौल भक्तिमय दिख रहा है। और ये इलाका धुरवा इलाका में है जो जगन्नाथपुर मंदिर, यहाँ से विधानसभा भी नजदीक है यहाँ से, तो यहाँ पर वीआईपी लोग भी जो यहाँ पहुँचते हैं उनके लिए समुचित सुविधाएं की गई है, तो किसी प्रकार का चूक ना हो, भक्तिमय माहौल बना रहे, क्योंकि ये 15 दिन के बाद जगन्नाथ भगवान एकांतवास से बाहर आए हैं, इसके बाद ये 9 दिन तक चलने वाला मेला है, तो इसी को लेकर तैयारी तो पूरी की जा चुकी है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। सौरभ, हम चाहेंगे आप थोड़ा नीचे जाएं और भी दिखाएं हमें तैयारी, दिखाएं किस तरह से तैयारी की जा रही है और रथ यात्रा को लेकर, क्योंकि अज्ञातवास से अब भगवान जगन्नाथ बाहर निकलेंगे और आज उनके रथ यात्रा निकलेगी 5 बजे बताया जा रहा है, रथ यात्रा निकलेगी यहाँ राज्यपाल से सहित यहाँ के CM जो है हेमंत सोरेन भी रहेंगे जो रथ को खींचेंगे। तो ऐसे में सौरभ थोड़ा नीचे चल के भी हमें दिखाएं पूरी तैयारी किस तरह से चल रही है, कैसे जो है जो लोग हैं वहाँ पे वॉलंटियर हैं वो किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन किस तरह से तैनात है, और बात की जाए आपने बताया कि ड्रोन से भी पूरी निगरानी रखी जा रही है, तो पूरी तस्वीर थोड़ा दर्शकों को दिखाएं अपने। देखिए हमारे साथ वॉलंटियर्स हैं जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, इनसे बात करते हैं किस प्रकार से तैयारी है, क्या कुछ तैयारी है सर। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ स्वामी का रथ यात्रा संपन्न हो रहा है, और इसमें हम RSS के जो सदस्यगण हैं, बजरंग दल हैं और 20 हिंदू परिषद के सदस्यगण हैं, सभी लोग बिल्कुल ही तन्मयता के साथ, एकदम श्रद्धा भाव के साथ, क्योंकि हमारे भगवान जगन्नाथ स्वामी के श्रद्धालु भक्तों को जरा सा कष्ट न हो इसको ध्यान में रखते हुए दर्शन करवाना है, पूजन करवाना है और उनकी मनोकामना भगवान जगन्नाथ स्वामी पूरा करे, इस हेतु हम लोग लगे हुए हैं, बिल्कुल समर्पित से लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो हमारे न्याय परिषद है उसके तरफ से भोजन की भी व्यवस्था की गई है, जो हमारे वॉलंटियर्स गण हैं उनका, उनको यदि भोजन चाहिए होता है तो उनकी भी व्यवस्था हमारे न्याय परिषद किया गया है। हमारे ट्रस्ट के तरफ से, हमारे संघ के तरफ से पानी की भी व्यवस्था की गई है कि जिनको धूप है, कड़ी धूप है, उसमें हमारे श्रद्धालुगण को यदि पानी चाहिए होता है तो हमारे संघ के तरफ से पानी की भी व्यवस्था की गई है। संघ का आगे जाएंगे तो नीचे में हमारे एक स्टॉल लगी हुई है RSS की तरफ से, उस स्टॉल में भोजन की भी व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है, श्रद्धालु जैसा अपना उपयोग में लाना चाहें उपयोग में लाएं, ठीक है, बसरते एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही स्मूथ तरीके से आपका दर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन भी लगे हुए हैं, जिला प्रशासन के भी सारे जो पुलिस गण हैं, आरक्षी गण हैं, उनका भी सेवा सराहनीय है, और खास करके मीडिया बंधु को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग भी इस तरह के जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, इस सौहार्दपूर्ण वातावरण को आप मीडिया के माध्यम से जनमानस में फैला रहे हैं, इसलिए आप भी उतने ही धन्यवाद के पात्र हैं जितना कि हम सब, धन्यवाद। तो देखिए जो शांतिपूर्ण तरीके से पूरा भक्तिमय माहौल बना रहे इसको लेकर जो भी वॉलंटियर्स को यहाँ पर नियुक्त किया गया है वो बखूबी से अपना कार्यों का निर्वहन करते हुए, और उन्होंने बताया कि सभी प्रकार की तैयारियां की गई है कि किसी प्रकार का चूक ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको लेकर ये रास्ता नीचे से आता है और आपको दिखाना चाहेंगे, ये रास्ता नीचे से आ रहा बकायदा पूरी धीरे धीरे लाइन जो कतार लगाई गई है महिलाओं की अलग और पुरुषों की अलग, इसको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है कि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, अंदर में अफा तफरी का माहौल ना हो, इसको लेकर समुचित तैयारियां की गई है और लोग बहुत ही कह सकते हैं कि सुलभ तरीके से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने में सफल हो पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, कहा जा रहा खाने की व्यवस्था है, पूरी खाने की अच्छी व्यवस्था की गई है, पानी की भी व्यवस्था की गई है वहां पर, खाने मतलब खाना जिसको खाना उसके भोजन की भी व्यवस्था की गई है, तो जो भोजन की व्यवस्था की गई है ये भोजन वहाँ पर कहाँ पर बनाया जा रहा है, मिल रहा है, और पानी की किस तरह की उचित व्यवस्था की गई है, क्योंकि
क्योंकि किसी को प्यास लगे तो फिर उसको लेकर कहाँ जाएगा आदमी। देखिए इन्होंने जैसा कि बताया और जिस प्रकार से तैयारी की यदि बात की जाएगी, यदि पानी की बात की जाए तो पानी की समुचित व्यवस्था की गई है पूरे मेला परिसर में। अलग अलग जगह पे स्टॉल लगाए गए हैं, खाने के भी स्टॉल लगाए गए हैं कि लोगों को कम कीमत में भी यदि उनको खाना उपलब्ध करवाया जा सके, इसके लिए तैयारियां की गई है। और यदि इसके अतिरिक्त बात की जाए तो मेडिकल फैसिलिटी भी जिला प्रशासन की ओर से लगाई गई है कि किसी प्रकार का यदि चूक हो, किसी को दिक्कत हो, गर्मी का माहौल है, ऐसे में उन्हें मेडिकल फैसिलिटी फर्स्ट एड फर्दर इनको ट्रीटमेंट करवाया जा सके है। और एम्बुलेंस को भी यहाँ पर लगाया गया है कि किसी प्रकार की यदि कुछ आपातकालीन स्थिति आती है तो उसको भी टैकल किया जा सके। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से तैयारी की गई है जगन्नाथपुर के जो मेला है और ये रथ यात्रा के लिए। ठीक है सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से, आपसे ऐसे ही पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें सौरभ जुड़े हुए थे और बाबा जगन्नाथ की आज रथ यात्रा निकलनी है और ऐसे में लोग जो है पहुंच रहे हैं बाबा जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर इस बात की ओर देखिए इशारा कर रही है कि किस तरह से लोग जो है बाबा जगन्नाथ को मानते हैं, अपने अपने दिल में बसाते हैं। लोग जो है दूर दूर से आए हुए हैं और बाबा जगन्नाथ के एक झलक पाने के लिए, दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोगों के जो है भीड़ देखने को मिल रही है। इस दौरान जो है पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, किसी प्रकार का कोई हताहत ना हो, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी एक जो ब्लूप्रिंट है उसको तैयार कर रखा है, उसको लेकर तैयारी की जा रही है। वहीं बात की जाए यहाँ पर देखिए तो अगर बात की जाए तो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं आरएसएस के वॉलंटियर्स हैं और भी कई वॉलंटियर्स यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि सुरक्षित तरीके से और स्वस्थ माहौल में लोगों को बाबा जगन्नाथ के दर्शन कराए जाएं।